दिल्ली एनसीआर में गर्मी के तेवर तल्ख होने लगे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शनिवार को दिल्ली और एनसीआर में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान मौसम साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी और लू की स्थिति बनेगी। हालांकि रविवार से फिर से तापमान में गिरावट हो सकती है, ऐसे में लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से अगले कुछ दिनों तक दिन में तेज हवाएं चलती रहेंगी। 9 जून से आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी गर्मी का सितम जारी रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली में आज यानी शनिवार को अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और लू भी चलेगी। वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा में मौसम साफ रहेगा। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और यहां भी मौसम साफ ही बना रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब श्रेणी में 235 दर्ज हुई है। वहीं नोएडा में 269 जबकि गुरुग्राम में 285 रिकॉर्ड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।